की ओर। सुमेरपुर नगरपालिका मंडल की साधारण बैठक बुधवार को आयोजित हुई, जिसमें एजेंडे पर आधारित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर कई प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं विकास कार्यों में कथित भेदभाव को लेकर भाजपा कांग्रेस पार्षदों में कई बार नोकझोंक हुई। पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ की अध्यक्षता और अधिशासी अधिकारी प्रकाश डूडी के सानिध्य में बैठक रखी गई। बैठक में फैसला लिया गया कि गांधी सर्किल से राजगुरु सर्कल तक का मार्ग 60 फीट चौड़ा होगा। शहर में लंबे समय से बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे ठीक करवाने और नए लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं कांग्रेस पार्षद चतराम मेघवाल ने विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया। इसी के साथ कांग्रेस के अन्य पार्षदों ने भी विकास कार्यों में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। निर्दलीय पार्षद दिनेश मीणा ने उनके वार्ड में एक साल से कोई कार्य नहीं होने पर रोष जताया। कन्हैया लाल मेघवाल ने जाखानगर क्षेत्र में सड़क नाली निर्माण करवाने की मांग रखी। अन्य पार्षदों ने भी अपनी मांगे रखी। इसी दौरान पार्षदों में नोकझोंक भी हो गई। बिल्कुल सही है, आज दिन तक कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या कांग्रेस के पार्षदों का काम नहीं हो रहा है विकास का? कई जगह हुआ है और कई जगह नहीं भी हुआ है। आपने भी मुद्दा उठाया था कि विकास के कार्य नहीं हो रहे? बिल्कुल, मैंने उनको लिखित में एप्लीकेशन दी थी। दो सालों से काम नहीं हो रहा था, मैंने उनको इस बात की वापस मैंने पुनरावृत्ति बताई और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया मैं कार्य करूंगा। ये बिल्कुल झूठी बात है। राजस्थान में जब भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का हमारा बोर्ड बना, तब से लेकर आज तक 35 से 35 वार्ड में कोई भेदभाव नहीं किया गया और संपूर्ण रूप से सभी का समानता के रूप से काम कार्य किया गया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह का है तो आप इसकी तफ्तीश कर सकते हैं, और ऐसे कभी कोई भेदभाव वाली बात रही नहीं। और जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं वो कांग्रेस सरकार से ही बैठे हैं, तो उनसे भी आप बात कीजिएगा, उन्होंने कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया और अच्छा कार्य हो रहा है। ये कारण ये था, कुछ समस्या ये रही कि वो बता रहे कि हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन पूरे बोर्ड ने सदन में उनको बताया कि आपके ये इतने इतने लाखों के इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, वो कार्य हुए उसके बाद भी अगर आप बताते कि हमारा काम नहीं हुआ तो फिर किस तरह से आपको संतुष्टि की जाए? तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे 3 महीने हुए हैं यहाँ ज्वाइन किए हुए। प्रशासनिक शहरों के संग कैंप भी चल रहा है। इस दरमियान ज्ञात हुआ कि पिछले 2 वर्षों से साधारण सभा की एक भी बैठक कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी, इसलिए ये बैठक रखी गई। इस बैठक के अंदर आपके सबके सामने है कि विकास के कई सारे मुद्दे लिए गए हैं और साथ ही साथ कई MOU भी किए गए हैं, और इसमें एक ऐतिहासिक जो निर्णय किया गया है, जो चूँकि यहाँ की जो नेशनल हाईवे है वो हर बाईपास बन चुकी है, तो अंदर की तरफ भी जो 100 फीट जो मास्टर प्लान में सड़क थी और मौके पे वहाँ 50-55 फीट है, उसको घटा के मार्ग अधिकार 60 फीट निर्धारण करके और एम्पावर्ड कमेटी में रखने का डिसीजन लिया गया है। इसके साथ ही जो आप कह रहे हो कि विपक्ष के कुछ जो पार्षद गण है उनका ये आरोप है कि भाई विकास कार्य नहीं हुआ है, तो उनका जवाब पक्ष वालों ने भी दिया कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस बार सभी 35